एवरीवन, वेलकम टू एएसआर यंग आईएएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड 10th रिजल्ट। हमको महाराष्ट्र बोर्ड ने ऑलरेडी बता दिया है कि सारे स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, पर अब स्टैंडर्ड 10th रिजल्ट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे वो हम इस वीडियो में समझेंगे। प्लस जो सीईटी एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है और 11th एडमिशंस कैसे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा सीईटी कहा गया है कि ऑप्शनल है, आप लेना चाहे तो ले या ना लेना चाहे तो ना ले, तो उस बारे में हम देखेंगे। और हम अनाउंस कर रहे फ्री डेली सीईटी टेस्ट, तो उसकी डिटेल भी मैं दूंगी आपको। तो शुरू करते ये देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड 10th रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो अब रिजल्ट्स प्रिपेयर करने के लिए स्कूल्स को टाइम दिया गया है, जून 2021 के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आप चेक करोगे वो ये है mahresult.nic.in, और स्टूडेंट्स इस पर अपना रोल नंबर और मदर्स फर्स्ट नेम डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो आपके एडमिशन कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाता है एग्जाम से पहले, उस पर जो डिटेल्स है वो यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। वैसे भी स्कूल आपका रिजल्ट प्रिपेयर करेगी तो आपको वो पता चल ही जाएगा स्कूल की तरफ से, क्योंकि स्कूल को आपका रिजल्ट पता ही होगा। प्लस उसके अलावा स्टूडेंट्स जो इस रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, मतलब यू आर डिससेटिस्फाइड विद द इवैल्यूएशन मेथड, क्योंकि जो बोर्ड ने इवैल्यूएशन मेथड दिया उस बेसिस पे स्कूल रिजल्ट प्रिपेयर करेगी और मार्क्स देगी आपको, तो अगर आप उस मार्क्स से खुश नहीं है तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं जो बोर्ड कंडक्ट करेगी पैंडेमिक सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा स्कूल को ये कहा गया है कि 7-member कमेटी बनाए इस रिजल्ट प्रिपेयर करने को, और कोई भी माल प्रैक्टिसेस हो गए तो स्कूल के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। तो स्कूल तो अपना रिजल्ट बनाएगी, आप खुश नहीं हो तो आप रिवैल्यूएशन एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड 10th रिजल्ट बनाने के लिए हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 100 है, मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है आउट ऑफ 100, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेजेस जो होते हैं आउट ऑफ 100 होते हैं, साइंस कि सब साइंस है तो साइंस वन साइंस टू दोनों मिला के आउट ऑफ 100 होता है, मैथ्स वन मैथ्स टू मिला के आउट ऑफ 100 होता है, एनी वन सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों मिला के आउट ऑफ 100 होता है। तो ये जो है 100 मार्क्स के जो मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, आपका सिर्फ स्टैंडर्ड 10th का रिजल्ट नहीं, स्टैंडर्ड 9th का रिजल्ट भी देखा जाएगा। तो 50% स्टैंडर्ड 10th के मार्क्स हो गए, 50% स्टैंडर्ड 9th के फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स हो गए। तो वो स्टैंडर्ड 9 के फाइनल एग्जाम के मार्क्स और स्टैंडर्ड 10th के मार्क्स कैसे हो गए वो 50% में भी सेग्रीगेट किया गया, ये देखिए 30% और 20%। सो 30% विल बी इंटरनल रिटन एग्जाम के मार्क्स, तो आपकी जो रिटन एग्जाम कंडक्ट किए गए उसके ऊपर 30% मार्क्स दिए जाएंगे, और जो भी आपको होमवर्क ओरल प्रैक्टिकल्स वगैरह अगर किया गया जैसे साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स में जो प्रैक्टिकल्स की आपकी जर्नल है वगैरह उसके ऊपर भी मार्क्स है तो वो 20% मार्क्स है। तो ये ऐसा पूरा ये सेग्रीगेशन है। इसके लिए बोर्ड ने एक डिटेल शीट दी है हर स्कूल को फॉर्म भरने के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। वो फॉर्म कैसा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्कूल को अपना स्कूल का नाम लिखना है, सब्जेक्ट ये मराठी के लिए शीट है, तो यहाँ पे जो टीचर है सब्जेक्ट टीचर उसका नाम आएगा और इसका रिजल्ट ऐसे बनेगा। हर एक स्टूडेंट का नाम होगा यहाँ पे, उनके रोल नंबर की वजह से के हिसाब से सीट नंबर जो उसके हिसाब से स्टूडेंट का नाम आएगा। और ये देखिए, ये मार्क्स एग्रीगेशन कैसे है, ये मराठी में दिया गया है, बोर्ड से मराठी में ही आता है, मैं आपको बताऊंगी इसका क्या मतलब होता है। ये देखिए, यहाँ पे है इयत्ता 9वीं अंतिम गुण 100 पैकी, मतलब कि 100 मार्क्स में से 9वीं में फाइनल एग्जाम में अंतिम, मतलब फाइनल एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिले थे 100 में से, तो आपको फाइनल एग्जाम के मार्क्स 100 में से होते हैं, जैसे मराठी में आपको 100 में से जो मार्क्स मिले होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टूडेंट का नाम आएगा, उसके 100 में से मार्क्स लिखे जाएंगे, और इस 100 मार्क्स को आपको स्कूल को इसको 50 में कन्वर्ट करना होगा। मतलब कैसा होता है ये देखो, 100 से 50 मतलब रूपांतर करना है उसका। तो कैसे होगा ये, मतलब 100 में से अगर आपको 50 मिला है तो 50 में से 25 मिला है, तो वो रेशियो निकाला जाएगा, यहाँ पे आपके 50 में से उसको कन्वर्ट किया जाएगा मार्क्स को। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जो आता है वो है ये 10वीं के लिए, तो 10वीं के लिए जो 30 मार्क्स और 20 मार्क है ना, तो 30 मार्क का यहाँ पे कैसे दिया गया है, प्रथम सत्र मतलब जो फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स मिले आपको उसके मार्क्स कितने मिले आपको वो लिखे जाएंगे, सराव पूर्व मतलब के रिवीजन या जो आपका प्रीलिम्स हुआ उसके मार्क्स कितने हैं वो लिखे जाएंगे, और बाकी सब कोई टेस्ट कंडक्ट किए उसके मार्क्स, इतर मतलब बाकी सारे मार्क्स, एकूण मतलब ये सारे मार्क्स का टोटल किया जाएगा। तो अगर आपका समझो प्रीलिम्स 100 में से हुआ है, आपका फर्स्ट टर्म समझो 100 में से हुआ है, तो 100 में से यहाँ पे बच्चे को कितना मिला फर्स्ट टर्म में, प्रीलिम्स में उसको कितना मिला, और कोई एग्जाम कंडक्ट किया था उसमें कितना मिला, तो 3 मार्क्स स्कूल को लिखने हैं। तो यहाँ पे स्कूल को फ्रीडम है वो कौन से मार्क्स कंसिडर करना चाहती है, कौन सा टेस्ट कंसिडर करना चाहती है, उस पर ये मार्क्स हो गए।
तो यहाँ पे समझो 100, 200, 300 मार्क्स में से इसके मार्क्स आएगी, अगर समझो अगर अगर स्कूल ने 100 100 मार्क्स के टेस्ट लिए तो 300 में से आया, तो यहाँ पे एक गुण 300 में से कितना मिला, तो 300 में से इतना मिला, अगर समझो 300 में से 200 मिला तो 30 में से 20 मिला, तो ये 30 में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो 30 मार्क्स विल बी फॉर इंटरनल 10 स्टैंडर्ड रिटन एग्जाम, और 20 मार्क्स हो गए बाकी सारे, मतलब ये देखो तोंडी ना, श्रवण कौशल्य मतलब ओरल्स, तो ओरल्स में जो है उसके 5 मार्क्स ओरल्स के लिए यहाँ दिया गया है, श्रवण कौशल्य भाषण कौशल्य मतलब लैंग्वेज के लिए दिया गया है ना, पोएम के लिए दिया गया है, रेसिटेशन कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, उसके 5 5 मार्क्स दिए गए, स्वाध्याय मतलब होमवर्क जो दिया गया है अगर कोई, तो उसके ऊपर भी 2 होमवर्क के ऊपर भी ये 5 5 मार्क्स है, तो ये 20 मार्क्स हो गए। तो 20 मार्क्स में से स्कूल को यहाँ पे मार्क्स लिखने होंगे कितना बच्चे को मिला मराठी में, तो ये टोटल करके उनको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। तो ये मराठी के लिए, सिमिलरली ऑन द सेम लाइन्स एग्जैक्टली हिंदी के लिए भी है, ये देखिए सेम है ना, तो मतलब 100 मार्क्स में से जितना 9th में मिला तो उसका 50 में कन्वर्ट होगा, ये 30 20, वैसे ओरल्स और होमवर्क ये ना, ये 20 मार्क ओरल्स और होमवर्क पे, और 30 मार्क्स जो रिटन एग्जाम्स हो गए उसके ऊपर, प्रीलिम्स फर्स्ट टर्म सारा। उसके बाद इंग्लिश में भी वैसा ही है ना। मैथ्स और साइंस में थोड़ा अलग है, ये देखिए गणित है मैथ्स का है, मैथ्स में कैसा होगा, 9th का वैसा ही है, 100 मार्क्स जो आपको मिला फाइनल एग्जाम में उसको 50 में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ 30 मार्क्स कैसा है, यहाँ पे वो ये सेम है ना, तीन तीन चीज़ें ली गई है, फर्स्ट टर्म प्रीलिम्स और कोई एग्जाम जो कंडक्ट की गई उसमें कितने मार्क्स मिले, और उसका एक गुण करना है टोटल, और उसको 30 में कन्वर्ट करना है। और ये जो 20 मार्क्स है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, गृह पाठ, गृह पाठ मतलब होमवर्क, और ये है प्रात्यक्षिक बहुपर्यायी, मतलब प्रात्यक्षिक मतलब के प्रैक्टिकल अगर किया गया, क्योंकि मैथ्स में भी प्रैक्टिकल बुक होती है, तो उसके मार्क्स, या तो फिर वो नहीं कंडक्ट किया गया उसके मार्क्स नहीं है, तो आप एमसीक्यू बहुपर्यायी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो स्कूल ने एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर लिए तो उसके मार्क्स उसे यहाँ लिखने, तो स्कूल्स ये सब मार्क्स उनको फिल करके देना है। तो ये सारा आपका जो है यहाँ पे जितने मार्क्स आएंगे ये तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा है, 10 10 में से कितना मिला, अगर ये समझो 40 में से, तो 40 में से इतना मिला तो 10 में से कितना होगा वो, ऐसा, तो 40 में से 40 मिला तो 10 में से 10 मिला, वैसा, तो ऐसा होता है। तो ये टोटल यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे जाएंगे, और 100 में से जो मार्क्स आएगा वो 10th का रिजल्ट बनेगा। तो ये मैथ्स के लिए, वैसे ही साइंस के लिए भी है, ये देखिए साइंस में भी वैसा ही है, 50 मार्क्स 9th के, 30 मार्क्स रिटन में, और उसके अलावा ये जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही है, विज्ञान साइंस 1 साइंस 2 दोनों का अलग अलग लिया जाएगा। यहाँ पे प्रात्यक्षिक नोंद वही मतलब जो आपका प्रैक्टिकल बुक होती है, जो एक्सरसाइज जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसका नोंद वही मतलब राइट रिटन वर्क के ऊपर, रिटन वर्क का और लेखन कार्य जो है वो रिटन वर्क के ऊपर ये 10 मार्क्स है, और आपका साइंस 2 में भी 10 मार्क हो गए, तो साइंस 1 साइंस 2 दोनों के 10 10 मार्क यहाँ ऐड हो गए, तो 20 होगा ये है ना, जैसे मैथ्स में भी वैसे ही था, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के 10 10 मार्क है, तो वो ऐड होगा ना, दोनों यहाँ पे अलग ही दिया गया, लेकिन यहाँ पे डब ना साइंस 1 मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों का दिया गया करके 5 5 और 10 10 मार्क्स फॉर होमवर्क एज वेल एज फॉर MCQs, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का दिया गया, प्रैक्टिकल साइंस 1 में भी होता है साइंस 2 में भी होता है, तो उसके 10 10 मार्क्स, तो दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल्स का जब नॉर्मली भी होता है तो साइंस में प्रैक्टिकल के ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं, तो दैट इज देयर। प्लस ये जो है अब आता है यहाँ पे सोशल साइंस, सोशल साइंस में भी वही है आपका, देखिए है ना, जो 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स, फिर 10th स्टैंडर्ड के ये रिटन के 30 मार्क्स, और जो ओरल 20 मार्क्स है वहाँ पे यही है, गृह पाठ मतलब होमवर्क, बहुपर्यायी चांचरी मतलब MCQ पे मार्क्स, तो 5 5 मार्क्स ये 10 मार्क हो गए हिस्ट्री के, और वैसे ही 10 मार्क्स हो गए ज्योग्राफी के, तो स्वाध्याय मतलब होमवर्क की तरह, और कृति मतलब कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि मैपिंग एक्टिविटी वगैरह होती है, तो कोई भी एक्टिविटी की गई होगी उसके 10 मार्क्स, तो ये 20 मार्क बनते हैं आपके ओरल्स के जैसे होते हैं हमेशा भी, तो दिस विल बी योर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर सोशल साइंस ऑल्सो। तो इस तरह सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए जाएंगे और आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और इन मार्क्स से आप खुश नहीं हो तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हो, और लेकिन ये रिजल्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि हर साल रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका 11th का एडमिशन होता है, लेकिन इस साल 11th के एडमिशन के लिए स्टैंडर्ड 10th का रिजल्ट नहीं यूज़ किया जाएगा, अलग से एग्जाम होगा, दैट इज कॉल्ड CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब FYJC, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, जो 11th स्टैंडर्ड को कहा जाता है, FYJC मीन्स 11th स्टैंडर्ड, तो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको ये CET एग्जाम दे सकते हैं आप, वो भी ऑप्शनल रखा है बोर्ड ने, मतलब आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो, अरे नहीं देंगे तो एडमिशन कैसे होगा,
अगर नहीं दोगे तो आपका एडमिशन स्टैंडर्ड 10th के रिजल्ट पे होगा, लेकिन वो भी कब, जब जिन्होंने सारों ने सीईटी दे दी उनका एडमिशन हो गया उसके बाद, तो बहुत ही रिस्की मैटर है। तो मतलब सीईटी ऑप्शनल बोला तो गया है पर देना ही है अगर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। सो दिस सीईटी जो एग्ज़ाम होगा उसका भी पैटर्न दिया गया है, वो क्या है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, एमसीक्यू पैटर्न होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा करेक्ट आंसर, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब अगर पर क्वेश्चन 100 मार्क्स है तो 2 घंटा दिया जा रहा है आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को, है ना। और सिलेबस क्या होगा, महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10th का सिलेबस होगा इसमें, और ओएमआर शीट के आपको मार्किंग करना होगा, जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट होती है ऐसे, उसके ऊपर आपको ये मार्क करके अपने आंसर्स देने होंगे। तो ये सीईटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये भी कब किया जाएगा, जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तब, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही होगा कोविड सिचुएशन बेटर हो जाने के बाद। तो स्टूडेंट्स एक दिन का ये एग्जाम होगा, उनको ये सीईटी एग्जाम देना होगा, अगर आप उनको 11th स्टैंडर्ड एडमिशन में प्रेफरेंस चाहिए तो जो सीईटी का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी और पूरा एडमिशन्स होगे कि किसका, जिसका अच्छा सीईटी रिजल्ट आया उसको अपना प्रेफरेंस पहले मिलेगा। जिन्होंने सारों ने सीईटी दे दिया है उनके सबके एडमिशन्स हो जाने के बाद, जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है उनके एडमिशन्स किए जाएंगे। तो हर साल बोर्ड कहती है हम हर एक स्टूडेंट को एडमिशन देंगे, तो ये साल भी हर एक स्टूडेंट को एडमिशन देने का वो अश्योरेंस देते हैं, पर जो सीईटी नहीं देगा उनका एडमिशन बाद में होगा, मतलब जो बची सीट्स होगी, सीईटी वालों ने ले ली सारी सीट, उसके बाद जो बची सीट्स है उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये बात है, तो ये आपका स्टैंडर्ड 11th के एडमिशन्स के बारे में है। अब फ्री सीईटी टेस्ट जो हम दे रहे हैं, मतलब आपको सीईटी एग्जाम में क्या सिलेबस होगा, पूरा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब जो भी आपके लैंग्वेजेस है आपके वो सब। तो हम फ्री सीईटी टेस्ट दे रहे हैं, उसके लिए आपको अपना हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, ये एशाज लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसे आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको ये कॉन्टैक्ट मिलेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम करोगे लॉगिन नहीं होगा तो आपको एक कॉन्टैक्ट बटन मिलेगा, उसे आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट क्लिक करने पर आपका ये पेज खुलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको नाम, कोर्स सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और अपने मैसेज में आप फ्री सीईटी टेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे और हमें सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है, ये देखिए, कोर्स आपको ये 13 नंबर ट्यूशन सिलेक्ट करना है, तो स्कूल लेवल का जो है हम ये इसमें देते हैं ट्यूशन्स में, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हमारी तरफ से लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी, एक बार आपको अपने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया तो उसके अंदर आपको लॉगिन पे जाना होगा। फिर तो कॉन्टैक्ट के बाद में जो लॉगिन होगा, लॉगिन पे जाके आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो दिया जाएगा उससे लॉगिन कर सकते हैं। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो ये आपकी स्क्रीन फिर ये आएगी, जब भी आप लॉगिन करके अपना ऐप खोलोगे तो ये स्क्रीन आएगी। तो ये स्क्रीन पे आप टेस्ट कर दे सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे फ्री वीडियोज अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। तो टेस्ट जो आपको देने हैं तो वो टेस्ट का क्लिक करने पर आपको ये अपकमिंग टेस्ट, अटेम्प्टेड टेस्ट, पेंडिंग टेस्ट सारे दिखेंगे। तो जो भी टेस्ट शेड्यूल्ड है, डेली टेस्ट आपको सीईटी के यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप ये लॉग इन करके यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो उसके क्वेश्चन जो कि इस तरह आपको दिखेंगे, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और टेस्ट देना है। जैसे ये सवाल यहाँ दिया गया है, आपको दिख के पता चलेगा कि ये आपका साइंस 1 चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड से सवाल है। द आईयूपैक नेम ऑफ CH3CHO इज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कार्बन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये इथेनॉल है ना, तो इसका करेक्ट आंसर इथेनॉल है। तो अगर आपका प्रेपरेशन सही होगा तो आपको इसका आंसर भी आएगा। तो आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, वो आपको शेड्यूल के हिसाब से दिए जाएंगे, जो टेस्ट होगा आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको यहाँ पे दे सकते हैं। छोटे छोटे टेस्ट होंगे ऑन अ डेली बेसिस, तो आप यहाँ पे अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, आंसर्स चेक कर सकते हैं, रिविजन में रिवाइज कर सकते हैं अपना जो भी आपने टेस्ट दिया उसके लिए। तो ये हमारी तरफ से आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली 1 टेस्ट, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।